इस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे रासायनिक विज्ञान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में तीन टॉपिक एक साथ में कवर कराने वाला हूं। इस क्लास में मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चन कवर कराऊंगा जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हुए क्वेश्चन है। RRB ग्रुप डी, NTPC स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेंड, लोको पायलट, टेक्नीशियन और JEE के रेलवे के एग्जामों में पूछे गए इन टॉपिकों के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में आप कवर करने वाले हो। हमारे जो तीन टॉपिक है इस क्लास में जो कवर करोगे आप, रासायनिक अभिक्रिया, एस्टर, अन्य कार्बनिक यौगिक, इन तीनों टॉपिक से जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट के गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों क्लियर होने के बाद टॉपिक हमारे गलत होते हैं। इस क्लास में मैं आपको एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन कवर कराऊंगा। ये क्लास आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस क्लास से इन टॉपिकों से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एस्टर में खालिस्तान गंध होती है, कैसी गंध होती है बच्चों? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फल जैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक्स्ट्रा फैक्ट से जितने क्वेश्चन बनते हैं सभी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने में भी किया जाता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एस्टर का। अब जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है इसका रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र क्या है और इसका यूज क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इथेनॉइक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH होता है, इसका प्रयोग क्या होता है बच्चों? सिरका बनाने में, सिरका और आपका डिस्केलिंग एजेंट के रूप में होता है। बात करें मिथेनॉल की, मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? CH3OH। यूज क्या होता है इसका? ईंधन में यूज होता है। बात करें इथेनॉल का, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। इसका प्रयोग क्या होता है बच्चों? शराब बनाने में। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। मर्द अंगों को सामान्यतः फॉर्मेलिन में रखा जाता है, ये आपका फॉर्मेलिन होता क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जलीय फॉर्मोलिडिहाइड ये आपका होता है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। यौगिकों का एक वर्ग जिसका आणविक भार निम्न होने पर सुगंध के रूप में और उनका आणविक भार श्रेणी में उच्च होने पर प्राकृतिक तरीके से बनने वाली चर्बी के रूप में उपयोग किया जाता है क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर फोर का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनको एस्टर बोलते हैं। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव। इत्र बनाने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग स्वादिष्ट मसाले के रूप में भी किया जाता है, किसका किया जाता है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर फाइव का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। थिनोफ्थलेथीन को सिरके में डालने पर घोल खालिस्तान हो जाता है, कैसा हो जाता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रंगहीन हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन। टेबल दानेदार चीनी खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुक्रोज को। टेबल दानेदार चीनी सामान्यतः बच्चों सुक्रोज के रूप में जाना जाता है। सुक्रोज एक सामान्य कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है? सामान्य कार्बोहाइड्रेट होता है जो कई पौधे और पेड़ पौधों के भाग में पाए जाते हैं। सुक्रोज सामान्य रूप से शर्करा के लिए प्रचलित नाम है। सुक्रोज जो आपका है गन्ना और चुकंदर से निकाला जाता है, इसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आठ। C12H22O11 के रूप में भी जाना जाता है, किसे जाना जाता है? अति महत्वपूर्ण आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन नंबर आठ का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चीनी। किसे जाना जाता है प्यारे बच्चों? चीनी के रूप में जाना जाता है। चीनी सुक्रोज का स्रोत होता है, चीनी जो होता है आपका किसका स्रोत होता है बच्चों? सुक्रोज। इससे पहले प्यारे बच्चों मैं आपको भौतिक विज्ञान कंप्लीट करा चुका हूँ, भौतिक विज्ञान कंप्लीट करा चुका हूँ जो रेलवे में जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक बनते हैं। लगभग 24 क्लास मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ भौतिक विज्ञान की प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज साइंस की। हमारी रासायनिक विज्ञान की एक क्लास हो रही है जो कि विविध के नाम से होगी, विविध के नाम से क्लास होगी रासायनिक विज्ञान की। इसके बाद हम बायो स्टार्ट करेंगे सुबह के समय आपका 7 AM, सुबह 7 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट है, 9 बजे आपकी टॉप 50 GK GS की क्लास स्टार्ट है, 11 बजे आपकी मैथ PYQ रेलवे के पिछले 10 सालों में पूछे गए अलग अलग
वैकेंसी में जो आपके मैथ के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उनको ट्रिकी अप्रोच के साथ मैं आपको विदाउट फॉर्मूला विदाउट टेक्स्ट सॉल्व करा रहा हूँ। इसके बाद आपका 3 बजे आपकी रीजनिंग की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट है आपके पेपर, जिसमें कि मैं आपको 2-3 पार्ट में इसको कवर करा रहा हूँ। आपका फर्स्ट जो पेपर होगा ALP टेक्नीशियन का पेपर प्रोवाइड कराऊंगा मैं आपको, सेकंड पेपर आपका RPF का स्टार्टिंग के 3 दिन ये चलेगा, और फिर आपके लास्ट के 3 दिन हिंदी यूपी पुलिस और UP SSSC जितने भी एग्जाम में हिंदी आती है उसके लिए हिंदी की क्लास मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है जी। इसके बाद हमारा शाम को 6 बजे ये आपकी साइंस की टॉपिक वाइज स्टार्ट क्लास लगातार कंटिन्यू चल रही है, कृपया इन्हीं क्लास को एक बार देखिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, C12H22O11 का रासायनिक सूत्र है, किसका है जी? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोज। लैक्टोज एक क्या होता है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है। लैक्टोज क्या है? डाइसैकेराइड है। इसका रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है, ये स्वाद में मीठे होते हैं, जबकि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का एग्जाम में पूछा जाता है C6H12O6, ग्लूकोज का याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, ग्लूकोज एक खालिस्तान कार्बन अणु है, कितने कार्बन होते हैं? 6। ग्लूकोज अणु 6 कार्बन वाला सरल कार्बोहाइड्रेट अणु होता है बच्चों आपका। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है ग्लूकोज का? C6H12O6 होता है। ये एक मोनोसैकेराइड है। यह कैसा होता है बच्चों? मोनोसैकेराइड। क्वेश्चन नंबर 11, अमीनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। प्रोटीन 20 अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। प्रोटीन में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 20। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका ये। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में मौजूद नहीं है जबकि पौधों में होता है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च। स्टार्च या इसे दूसरा नाम क्या है स्टार्च का, ये भी आ सकता है आपके सामने ऑप्शन में, एमाइलम होता है ये। एक आपका पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका निर्माण कैसे होता है? ग्लूकोज मोनोसैकेराइड की इकाइयों की एक बड़ी संख्या के आपस में ग्लाइकोसिडिक बंधों द्वारा जुड़ने से होता है। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों कुछ वर्ड थोड़े डिफिकल्ट आ जाते हैं, थोड़ा जल्दी कवर कराने के चक्कर में थोड़ा गलत हो सकता है, इसलिए थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिएगा एक दो वर्ड को। क्वेश्चन नंबर 13, किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए 2 यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनियमन होता है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्मा शोषी होती है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, अपघटन प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे खालिस्तान अभिक्रिया कहा जाता है, उसे कैसी अभिक्रिया कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है विद्युत अपघटन। क्वेश्चन नंबर 17, एक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के एक या अधिक अणु आपस में दोहरे या तीरे आबंध के माध्यम से जुड़े होते हैं वो क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है योगात्मक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, फेरस सल्फेट का अपघटन। फेरस सल्फेट का अपघटन कैसी अभिक्रिया है बच्चों? यह आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 19, पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, खालिस्तान वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर उदासीनीकरण आपकी वह प्रक्रिया होती है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। क्लियर है जी?
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड विलयन की अभिक्रिया खालिस्तान का एक उदाहरण है। जो आपका सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड होता है ना, उसका जो विलयन की अभिक्रिया होती है कैसा उदाहरण होती है, ये आपको पूछा गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर द्विविस्थापन अभिक्रिया ये आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दहन अभिक्रिया होती है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर क्या बनता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 23, समीकरण 2Cu प्लस O2 2CuO खालिस्तान का एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी जी आपकी, क्या कहलाएगी, संयोजन अभिक्रिया। Cu क्या होता है बच्चों, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ आपस में अभिक्रिया करते हुए ना कॉपर ऑक्साइड बनता है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 24, सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जलीकरण। क्वेश्चन नंबर 25, खालिस्तान अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोहरा विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 26, वह अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है कहलाती है, क्या कहलाती है, राइट आंसर होगा आपका क्लोर क्षार अभिक्रिया वो कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, क्लोर एल्कली प्रक्रिया में कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 28, जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर होगा ये आपका अधातु ऑक्साइड बनता है, ऑक्साइड अधातु बनता है, क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 29, खालिस्तान ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर होगा किसने, यह आपका ऑप्शन नंबर ए, मेंडलीव ने, जर्मन वैज्ञानिक जोहान, या आपके कौन थे बच्चों, जर्मन सॉरी मेंडलीव नहीं, इसका राइट आंसर मेंडलीव नहीं होने का बच्चों, इसका राइट आंसर होगा डोबेरियन डोबेरिनियर, क्लियर है जी, ये थोड़ा गलत बताया गया था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ये कहाँ के थे, जर्मनी के, इन्होंने 1823 में प्लेटिनम का उत्प्रेरक के रूप में प्रथम बार अवलोकन किया था। क्वेश्चन नंबर 30, वनस्पति तेल के हाइड्रोजिनेशन में उत्प्रेरक कैटलिस्ट के रूप में खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निकिल का किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, एक दोरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयन का। क्वेश्चन नंबर 32, दी गई अभिक्रिया खालिस्तान का एक उदाहरण है, BaCl2 प्लस Na2SO4 BaSO4 प्लस 2NaCl, ये कैसी अभिक्रिया है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया आपकी होती है। डायरेक्ट डिट्टो भी आपको इक्वेशन डायग्राम में मिल सकते हैं, इसलिए अच्छे से कवर करना बहुत जरूरी है। जो आपका Na2SO4 क्या होता है प्यारे बच्चों, उसमें सोडियम होता है, या आप लिख देता हूँ मैं, चलो साथ के साथ BaCl2 जो आपका होता है बच्चों, ये बेरियम क्लोराइड होता है, ये आपका बेरियम क्लोराइड होता है। Na2SO4 क्या होता है, सोडियम सल्फेट होता है, इसके अलावा आपका बेरियम BaSO4 क्या होता है बच्चों, बेरियम सल्फेट, 2NaCl आपका क्या होता है, ये सोडियम क्लोराइड होता है, क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 33, एक यौगिक को कभी कभी भोजन के जल्दी पकने के लिए उसमें डाला जाता है, यह एक हल्का असंरक्षक क्षार है जिसे दी गई अभिक्रिया इसके निर्माण की क्रिया दर्शाती है, यह यौगिक का नाम बताइए। NaCl प्लस टू प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 बराबर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 34, उत्प्रेरक वे पदार्थ है जो, उत्प्रेरक कैसे पदार्थ होते हैं बच्चों,
जो अभिक्रिया को तीव्र कर देते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, CaO प्लस H2O CaOH2 दी गई प्रतिक्रिया खालिस्तान प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। यह आपको बताना है कैसी प्रतिक्रिया का उदाहरण है, यह आपका एक संयोजन उदाहरण है। जब दो या दो से अधिक यौगिक आपस में संयोग करके ना बच्चों एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं जिनके गुण मूल यौगिकों से भिन्न प्रतीत होते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, इतना आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, Pb प्लस CuCl2 PbCl2 प्लस Cu की दी गई समीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण है। कैसी अभिक्रिया का यह आपका एक उदाहरण है, ये आपको बताना है, ये आपका विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा अति ऊष्माक्षेपी है। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जल में सल्फ्यूरिक अम्ल को घोलना। क्वेश्चन नंबर 38, कॉपर ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया में अपचयन का अभिकारक है, क्या अभिकारक है ये आपको बताना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CuO। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, जब बिजली प्रभावित करने से एक पदार्थ का नए पदार्थ में अपघटन किया जाता है तो इनमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटन। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। क्वेश्चन नंबर 41, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है बच्चों, राइट आंसर होगा ऊष्मा निकलती है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 42, अभिकारकों को विभाजित करने के लिए खालिस्तान अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है अपघटन, अभिकारकों को विभाजित करने के लिए अपघटन अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43, एक सूखी टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को तेज गर्म करने पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक भूरे रंग का अवशेष छोड़ जाते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 44, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक खालिस्तान कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, दी गई अभिक्रियाओं में से कौन सी संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत होती है। क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर होगा अपघटन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो यौगिक आयनों को आदान प्रदान कर एक यौगिक बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का आपका राइट आंसर होगा, उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, द्विध्रुव विस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवशेषण अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48, वनस्पति पदार्थों के खाद्य में अपघटन की अभिक्रिया खालिस्तान का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में अवक्षेप तैयार होता है। अवक्षेप तैयार होता है किस में होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, दोहरा विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 50, अवक्षेपण प्रीसिपिटेशन बोलते हैं इसको, अभिक्रिया खालिस्तान उत्पादित करती है, क्या उत्पादित करती है या बच्चों आपका, या आपका अघुलनशील लवण उत्पादित करती है। या आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। थैंक यू।